हाय, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस पुरानी ट्रे को एक नया लुक देंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मोज़ाइक मिरर आर्ट से। इसके लिए हम इसकी पहले पुरानी कवरिंग को उतार लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से जैसो की लेयर देंगे, जिससे इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर और अच्छे से कवरिंग मिल जाएगी। पूरी ट्रे में चारों एजेस पर इनर साइड आउटर साइड हमें अच्छे से जैसो अप्लाई करना है। मोज़ाइक मिरर आर्ट आपकी सीमेंट या मड और मिरर से बनती है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कुछ एक्रेलिक कलर, मड और मिरर्स चाहिए। जैसों को सूखने के बाद हम इस पर जो भी हमें जहाँ जहाँ मिरर लगाने हैं उस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एजेस पे लाइंस डालकर और इसका सेंटर लिया है और मैं सेंटर में इसके सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ट्रे में बीच में सर्कुलर शेप में मिरर्स लगाने हैं। ये रेक्टेंगुलर मिरर्स मैं बॉर्डर के लिए यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन पर इस रेक्टेंगुलर मिरर्स को थोड़े थोड़े गैप पे लगाइए, ताकि जब हम इसमें बीच में सीमेंट की फिलिंग करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा। अब इसमें मैं राउंड शेप और ड्रॉप शेप की मिरर यूज़ करूँगी सेंटर के लिए। जितने ज़्यादा मिरर्स हम इसमें यूज़ करते हैं ये उतनी ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो आपका सरफेस हो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर्स यूज़ करिए अलग अलग पैटर्न में।
मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया था मैं उसके ऊपर मिरर्स लगा रही हूँ ताकि थोड़ा गैप कम रहे। थोड़ा और गैप फिल करने के लिए इस साइड पे मिरर यूज़ कर लेंगे हम। और ये हमारा बेस रेडी है। अब इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब हम जो वाइट सीमेंट है टाइल पाउडर ये यूज़ करेंगे। इसको एक बाउल में लिया है मैंने। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। इसको गीला करेंगे। एक ही साथ सारा पानी नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा थिक टेक्सचर चाहिए हमें। इसके बाद हम इसमें रेड कलर का एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे जो मेरी ट्रे का बेस चाहिए वो लाइट रेड कलर में चाहिए। इस तरीके से ऐसा टेक्सचर होना चाहिए आपके सीमेंट का। इसके बाद किसी भी फ्लैट चीज़ से आप इसको अपनी ट्रे पे अप्लाई करना शुरू करेंगे इस तरीके से। अच्छी सी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी लेकर इसको फैलाते जाएंगे। मिरर्स को अच्छे से 2 से 3 घंटे सूखने देना है, उसके बाद ही ये यूज़ करना है। और इस पेस्ट को आपने तुरंत बना के यूज़ करना है, इसको ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना है। पूरी ट्रे पे अच्छे से मैं ये फैला लूँगी इवनली। फ्लैट सरफेस से फैलाने से हमारा जो पेस्ट है वो इवनली उसको कवर कर लेगा सरफेस को। इसके बाद इसके थोड़ा ड्राई होने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद एक और बार इसके ऊपर की लेयर हटाएंगे। बहुत हल्के हाथों से करना है ये प्रोसेस जिससे आपका मिरर की भी प्लेस चेंज ना हो, वो वहीं पे स्टेबल रहे जहाँ पे हमने पेस्ट किए हैं। इसको हमें कम से कम 2 घंटे सूखने देना है। उसके बाद एक डैम्प क्लॉथ से हल्के गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे जिससे मिरर पे जो एक्स्ट्रा पेस्ट हो वो ड्राई होने से पहले ही हम हटा पाएँ। बहुत हल्के हाथों से और ध्यान से इस प्रोसेस को करना है। इसके बाद इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है।
और आउटर जो हमारी सरफेस है उस पे हम वाइट एक्रेलिक पेंट करेंगे, जिससे हमें जो भी कलर करना है वो कलर प्रॉपरली खिल के आए। अंदर की सरफेस पे भी एक्रेलिक कलर प्रॉपरली लगा देंगे। इसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ टील कलर। जो हमने व्हाइट एक्रेलिक कलर लगाया था उसको लगभग आधे से पौना घंटा सूखने देंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे। सभी कॉर्नर पे अच्छे से कलर फैला लेंगे बहुत ध्यान से। ये हमारे सीमेंट वाली जगह पे नहीं लगना चाहिए। ये जो हमने ग्राउट यूज़ किया है टाइल पाउडर, इसे टाइल ग्राउट भी कहते हैं, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। इसके बाद इसकी आउटर सरफेस पे भी मैं कुछ मिरर्स लगाऊंगी। मोज़ाइक आर्ट को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही लो कॉस्ट आर्ट है जो देखने में बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और हमारी ट्रे तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। अगर आपको ये टाइप ऑफ आर्ट और ये ट्रे का नया लुक पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।